ये तो महाजादू का असर हो रहा है। महाजादू के असर से बालवीर को होश आ रहा है। जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा अगर हो गया तो सारा पासा उल्टा पड़ जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। बालवीर, 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 बालवीर की शक्तियां वापस आ रही हैं। और ये उसका काश्वी को छूने के बाद हुआ है। क्यों आगिल, ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक वो मेरे हाथ ना लग जाए काश्वी गलती से भी बालवीर के आसपास ना भटके, वो एक दूसरे से कभी ना मिले। नम शीश तुम्हें अजय अमित बाहुवीर पृथ्वी रक्षक महानायक बालवीर, वेलकम बैक। इसके पावर्स अभी तक पूरी तरह वापस नहीं आए, इसलिए मेरे वार से बच रहा है। बालवीर! अब मैं इसके ऊपर महाशक्ति चलाऊंगी। जीतने की जिद छोड़ दीजिए। चलिए आगे। धरती लोग वीर 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 बेटा वीर
आराम से तो ठीक है ना? ये सब क्या हो? काशवी पापा जी? हाँ हाँ, वीर को देखिए, मैं मजरा काशवी को देखती हूँ। काशवी 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 बेटा काशवी, उठो उठ उठ बेटा, आराम से उठ, आराम से तुम ठीक हो ना? यहाँ बहुत भयंकर आग लग गई थी बेटा, और तुम फंस गई थी उसमें, बेहोश हो गई। बस वीर ने जैसे तैसे तुम्हें बचाया है। चल बेटा, तू हमारे घर चल। अरे नहीं नहीं आंटी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं अपने घर चली जाती हूँ। तू कैसी बातें कर रही है? हमारा घर क्या तेरा घर नहीं है? अकेली रहती है, कौन इसका ध्यान रखेगा? मैं कुछ नहीं सुन रही, तू हमारे घर चलेगी, चल। चाची सही कह रही है काशवी, जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी ना तो तुम अपने घर चली जाना, ठीक है? अभी प्लीज हमारे साथ हमारे घर चल लो। चल चल उठ बच्चे, संभाल के। हाँ आराम से। शाश्वान लोक। महामहिम शाश्वान रहे। रहे शाश्वान सचमार्ग। ये हम क्या देख रहे हैं? हमें तो कहा गया था कि तुम अपने साथ अदीशी को लेकर आ रहे हो। मौके पर अदीशी का यहाँ होना जरूरी है। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की मामाई, मैं खुद चाहता हूँ कि वो आज यहाँ रहें। आज बालवीर पर फैसला होने वाला है, आज उसकी रिपोर्ट आई है, आज ये पता चल जाएगा कि उस पर जो इल्जाम लगे हैं वो सच हैं या झूठ। ऐसे में माँ अदीशी को खुदा का लोक की लीडर होने के साथ साथ बालवीर की माँ होने के नाते भी इस वक्त यहाँ होना चाहिए। लेकिन लेकिन क्या सचमाग? लेकिन वो बहुत इमोशनल हो रही हैं, फैसले को लेकर बहुत ज्यादा घबरा रही हैं। लेकिन इसमें घबराना कैसा? हम सब जानते हैं कि बालवीर तो निर्दोष ही साबित होगा। यदि आप कहें महामहिम तो महादेशी को नहीं, फैसले का वक्त निकला जा रहा है। इस पहर के बदलने से पहले ही हमें इस ब्लैक बॉक्स को खोलना होगा। ये हमें उदा का लोग दिखाई पड़ रहा है, और ये उदा का लोक का सीमावर्ती इलाका। ये वो दिन है जिस दिन बालवीर को कवच दिया जा रहा था मां जादू से बचने के लिए। और हम देख सकते हैं कुछ बाहरी लोग उदाका की सीमा में घुस आए हैं, और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं बालवीर अपने साथियों के साथ उदाका की सीमा सुरक्षा के लिए पहुंच गया है। बालवीर ये रुक नहीं रहे, मैं इन्हें मार लेती हूं। नहीं, हम इन्हें मारेंगे नहीं, बेहोश करेंगे ताकि बाद में इनसे पूछताछ कर सके। और हम देख सकते हैं बालवीर ने बहुत अच्छे से अपना फर्ज निभाते हुए इन घुसपैठियों को आगाह किया, और फिर उसने उन पर
बेहोश करने के लिए बेहोशी का वार। ऐसा कैसे हो सकता है? बालवीर ने तो बेहोश करने के लिए गोली चलाई थी। मां, नहीं, यकीन नहीं हो रहा। ये जो अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं, इस पे विश्वास नहीं हो रहा। हमें भी नहीं हो रहा है। हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा भरोसा था, बालवीर बेगुनाह साबित होगा, मगर मादिशी का डर तो सच साबित हो गया। मामा ही बालवीर गुनहगार साबित हो गया। उसने उन निर्दोष निर्बल लोगों पे लाल जहरीली जानलेवा गोली से ही वार किया था। तो महामहिम, अब क्या फैसला करेंगे आप? साश्वान लोक की परंपरा को रखते हुए यहां के परम व्यवस्था अधिकारी द्वारा बनाई गई जादुई रिपोर्ट को कंफर्म और फाइनल मानते हुए हम साश्वान लोक के महामहिम उत्तान यह ऐलान करते हैं कि बालवीर को अभी इसी वक्त साश्वान लोक, खुदा का लोक और पृथ्वी के प्रति दी गई जिम्मेदारियों से हमेशा के लिए मुक्त किया जाता है। और बालवीर को धरती से इस लोक पर लाकर ताउम्र साश्वान लोक की जेल में कैदी बनाकर रखा जाएगा। हिमबाश लोग नहीं अंधेर तेतरा, मैं नहीं चाहती कि तुम सुरक्षाशील बनाओ। मैं चाहती हूं कि तुम खुले खड़े रहो खिरचोज के सामने। मैं देखना चाहती हूं कितनी शक्तियां खींच सकता है खिरचोज। Oh!
ऐसे ही खींच लेगा काशवी के अंदर से मेरे महाजादू को। ये खिरचोज बस, अब मुझे काशवी चाहिए यहां इसके सामने। ये क्या, रविया अचानक बोलने कैसे लगी? वीर भैया बचाओ! वीर भैया! रविया! 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 हाँ? हाँ रविया! रविया! रविया बेटा, तुम ठीक हो? मम्मी तू ठीक है ना? मम्मी मैं बोलने लगी। हाँ दादू, पापा, मैं बोल रही हूँ कई बार दीदी, मैं बोल रही क्या मैं वापस आ गई। पापा जी ये देखिए, हमारी हमारी नव्य बोल सकती है। हाँ बहू, मेरा बच्चा ये सब कैसे हुआ? वेलकम बालवीर, वेलकम बैक। जानना था ना तुम्हें, जान लो अपने आप को, ये हो तो बालवीर। ये कौन है? नमशीश तुम्हें। ये तो गायब हो गई। वीर, वीर देख, हमारी नव्या की आवाज वापस आ गई, वो बोल सकती है। ये सारे चमत्कार कहीं वीर बालवीर तो ये मेरे साथ क्या हो रहा है? वो मैसेजेस और वो कौन थी? शाश्वान लोग। धन्यवाद, आज की सभा समाप्त होती है। आप सबको अगली सभा के बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा। रुक जाओ सभी। अगली सभा अभी इसी वक्त होगी। हमने, शाश्वान लोक ने, खुदा का लोक और धरती ने एक लंबा अरसा बिना बालवीर के गुजारा है। हम सब बालवीर से बहुत प्यार करते थे। हम सब चाहते थे कि एक बार फिर से हमें यही बालवीर मिले और हम उसे उसकी गलतियों और गुनाहों से बरी करके फिर से अपने दिल में बैठाएंगे, फिर से उसे अपना आका बनाएंगे। लेकिन अफसोस, शाश्वान राज अब और अरसे तक इस दुनिया को बिना बालवीर के नहीं रहने दे सकता। इसलिए आज हम इस दुनिया के लिए एक नए बालवीर का ऐलान करते हैं। हम हमारी दुनिया में पहले बालवीर रह चुके हैं।
हमारे सबसे पहले बालवीर शशमाक को हम नया बालवीर चुनते हैं। अब तो कोई नया ही बालवीर बनेगा जो रह चुका हो पहले भी। बालवीर शाश्वान रहे, रहे शाश्वान। आंटी मैं तो कब की घर पहुंच चुकी हूँ। हाँ मैं तो अब अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग पे भी जा रही हूँ। नहीं नहीं वीर को मुझे घर तक छोड़ के आने की कोई जरूरत नहीं थी। आंटी मैं दादू और रिवा को बता के आई थी। हाँ हाँ ठीक है ओके। काशवी मैं सोच रही हूँ मैं इयररिंग्स लेके आती हूँ, दो मिनट रुक। हाँ ओके। तुम में से कोई नहीं देख सकता कि मैं यहाँ हूँ और मैं ले जाऊंगी काश्वी को और पाऊंगी अपना महाजादू। यार वो मिला ही नहीं जो चाहिए था। रिक्शा मॉल में चलना है भैया। काश्वी जल्दी आ जा। काश्वी 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 कहाँ चली गई? हुआ तो नहीं? मैं ठीक हूँ। ये क्या हुआ? मैंने ट्रक को कैसे रोक दिया? और मेरे कपड़े कपड़े कैसे बदल गए? क्या फोन देख के गाड़ी चलाता अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो? अरे बहन जी भगवान का शुक्र मनाइए कि आपके बच्चे को कुछ हुआ नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी स्पीड में गाड़ी आ रही थी अचानक रुक कैसे गई? मैं मिनटों में दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकता हूं। आखिर ये पावर्स मेरे पास आई कहां से? ये तो अमेरिका है। दोबारा कोशिश करता हूं, कहीं और चलता हूं। अरे ये मेरी पावर्स को क्या हो रहा है? Yeah!
मैंने ही बचाया है तुम्हें। कुछ जादू मुझे भी आते हैं। अब तुम पूछोगे कि मैं कौन हूं। अफसोस, नहीं बता सकती। ये तो वही है। इसका मतलब तुम ही हो वो जो मुझे संदेश भेज रही थी। हाँ वही हूं मैं। लेकिन इसके आगे और कुछ नहीं बता सकती। सिर्फ इतना समझ लो कि मेरा नाम बेनाम है। और इतना बताने आई हूं कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है किसी को बताना नहीं, किसी को दिखाना नहीं। हिमबाश लोग निकलने ही वाला होगा मेरा महाजादू। महाजादू का असर है। महाजादू की शक्ति काशवी की मदद कर रही है। एक खिलचूत की खींच को हरा रही है। जादू का असर भी अब कम होने लगा। इस लड़की ने तो जादू को भी हरा दिया। इसे तो कुछ भी नहीं हुआ देता। खिरचोज भी नहीं कर पाया। अगिल मुझे लगता है इस पर हमारा कोई जादू काम नहीं करने वाला। छोटे मुंह बड़ी बात, पर मुझे लगता है आप ना मां जादू अब कभी नहीं पा सकोगी। तब तो मुझे आगे जाकर इस लड़की की भी जिंदगी में कोई जरूरत नहीं रहेगी। और जिसकी अगिल को जरूरत नहीं वो उसकी मर्जी के बिना जिंदा रहे ये मुझे पसंद है। हमारा वीर झुकझुक जिए ऐन वक्त पर बालकनी में पहुंचकर हमारी नवू को पकड़ लिया उसने। हाँ डॉक्टर, मेरे बड़े बेटे वीर ने सही वक्त पर इसका हाथ ना थामा होता पता नहीं क्या अनहोनी हो जाती। आपका बड़ा बेटा? हाँ मेरा बड़ा बेटा वीर। आपका तो कोई बड़ा बेटा है ही नहीं। मुझे मेरे घर पर ले, यहाँ पर क्यों? तुम जल्दी से अपने घर जाओ। वहाँ कोई है जो तुम्हारे धरती लोग के परिवार से तुम्हारी पोल खोलने वाला है, तुम्हारा सच बताने वाला है। तुमने अभी तक तुम्हारे बारे में जितना देखा जाना और समझा उससे कई ज्यादा समझना बाकी है।
कि तुम कौन हो, कौन से लोग से हो और तुम्हारा परिवार कौन है। अरे मेरा नाम वीर है, ये मेरा घर है, मेरा परिवार है यहाँ पर। नहीं, तुम इस लोक के हो ही नहीं, तुम इस परिवार का हिस्सा हो ही नहीं। अभी जल्दी से घर जाओ, जाओ। आपकी तो ये इकलौती बेटी है नव्या भारद्वाज, आपका तो कोई बेटा था ही नहीं। आप भूल गई क्या डॉक्टर, मेरा बड़ा बेटा वीर भारद्वाज नव्या से पूरा 10 साल बड़ा है। आपके बड़े बेटे और बड़ी बहू का इलाज आईसीयू में मैंने खुद 12 दिन तक किया था। उस भयंकर एक्सीडेंट के बाद तो आपका पूरा परिवार मेरे ही सामने हॉस्पिटल में रहता था। लेकिन मेरा परिवार मेरे माता पिता है, मेरे दादाजी, मेरी बहनें। वीर, तुम्हें जादू से इस धरती लोक पर और इस परिवार में सेट किया गया है। तुम इनके कभी थे ही नहीं, जादू से तुम्हें इस परिवार का हिस्सा बनाया गया है। जादू करने वालों ने ऐसा जादू किया है कि एक ही मिनट में, एक ही वक्त में धरती लोक के सारे लोगों के दिल और दिमाग में ये सेट हो गया कि तुम वीर हो, तुम इसी परिवार का हिस्सा हो और तुम यहीं पले बड़े हो। लेकिन अगर मैं आपकी बात मान मिलूं तो मेरे असली माता पिता कौन है? हा? ये मैं नहीं, वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल तुम्हें जल्दी से घर जाकर उस इंसान को रोकना है जो तुम्हारा सच खोलने वाला है। ये जो कोने में खड़ा है ना, ये देखिए, ये है मेरा बेटा वीर। कहाँ? यहाँ। लेकिन मुझे तो नहीं दिख रहा। मुझे लगता है आपकी नजर कमजोर हो गई है डॉक्टर। एक मिनट, आप, हाँ आप वहां आइए, आइए मेरे साथ, मैं दिखाती हूं आपको। ये देखिए, ये है मेरा बेटा वीर भारद्वाज। कहां है डॉक्टर आंटी? लगता है ना आप अपने चश्मे घर पे भूल आई हैं। आप मेरे चश्मे से ट्राई, हाँ फिर दिख जाएगा। देखिए बहुत मजाक हो गया, अब मैं चलती हूँ। रुकिए, आपने ऐसे कैसे कह दिया कि मेरा कोई बड़ा बेटा नहीं है? एक माँ अपने बेटे को लेकर कभी कोई मजाक नहीं करती। अब जब तक मैं आपको ये साबित नहीं कर देती कि मेरा एक बड़ा बेटा है, आप कहीं नहीं जा सकती। अरे वीर आ गया। हाँ आइए, अब वीर को देखकर याद आ गया सब। अरे वीर, कि डॉक्टर रेखा मान ही नहीं रही है कि तू मेरा बेटा, तू बताई नहीं। जो लोग धरती से जुड़े हुए नहीं थे, यानी जो आसमान में थे, जो हवाई जहाज पे थे, उन पर ये जादू काम नहीं किया है, उनके लिए तुम वीर नहीं हो। डॉक्टर मुझे देख नहीं सकती, मतलब मुझे सुन भी नहीं पाएगी, अब क्या करूं? अरे तो चुपचाप क्यों खड़ा है, बता नहीं ना कि तू मेरा बेटा है? लगता है इन्होंने अपने बेटे को बचपन में खो दिया होगा, इसलिए ट्रॉमा की वजह से उसे हेलुसिनेट कर रही है और परिवार के लोग उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। क्या हुआ, अब तो आपको सब कुछ याद आ गया ना, मैं कह रही हूँ तब से। क्या कर रहा है तू? बता ना डॉक्टर रेखा को कि तू मेरा बेटा है और मैं तेरी माँ हूं।
केस बहुत सीरियस है, मुझे सच बताना ही पड़ेगा कि ये जिसे बेटा कह रही है ये उनका वहम है और यहाँ कोई नहीं है इनके सामने। गार्गी जी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। उनके कंधे पे हाथ रखो। मेरी बात सुनकर आपको अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन बताना बहुत जरूरी है। सच तो ये है कि डॉक्टर मैडम, बालवीर के इस मैजिक टच से अब डॉक्टर न सिर्फ उसे देख पाएगी बल्कि वो भी वीर को पहचान लेगी। आपने पहचाना मुझे? क्यों नहीं पहचानूंगी वीर बेटा, कैसे हो तुम? और देखो, पिछली बार की तरह जादू से मेरी चीजें गायब मत कर देना। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। अब सब याद आ गया ना? वीर को देखते ही मुझे सब याद आ गया। अब तो आपको यकीन हो गया ना, ये मेरा बेटा है? ऑफ कोर्स, वीर आपका ही बेटा है। चलती हूँ मैं। नमस्ते। अरे डॉक्टर जी, डॉक्टर जी अपनी आँखें चेक करवा लेना, कमजोर हो गई है। बताइए तो पापा जी कितने कॉन्फिडेंस से कह रही थी ना कि नहीं नहीं आपका कोई बड़ा बेटा नहीं है, मुझे अच्छे से याद है। तो लेकिन आपने उनकी बात पे विश्वास तो नहीं किया ना? पागल है क्या, तेरी माँ हूँ, अगर भगवान भी आकर मुझे कहेंगे ना कि तू मेरा बेटा नहीं है तो मैं कभी ना मानू। तू मेरा बेटा है। मैं आपका ही बेटा हूँ माँ, लेकिन अगर बेनाम की बात में सच्चाई है तो मुझे अपने असली माँ बाप के बारे में पता लगाना ही पड़ेगा। यहाँ से एक लड़की गायब हो गई है। लड़की गायब हो गई? लड़की कैसे गायब हो गई? यहाँ पे मेरी दोस्त थी मेरे साथ, वहाँ पे फोन पे बात कर रही थी, मैं ऑटो में बैठी और पता नहीं कहाँ गायब होगी। लोग हमें तो देख नहीं सकते लेकिन इस काशवी को तो देखे लेंगे। देखो इसके दोस्त ने कैसे ये चिल्ला चिल्ला कर भीड़ इकट्ठी कर ली है, तो फिर इन सब की नजरों के सामने से हम फिर से काशवी को कैसे ले? ना काशवी को पता चलेगा, ना इस भीड़ को पता चलेगा और ना ही उसकी दोस्त को। मैं उन्हें वक्त में पीछे ले जाऊंगी। मैंने इन सब की यादों से मिटा दिया है कि यहाँ से काशवी गुम हुई थी। खुद काशवी को भी याद नहीं रहेगा कि वो खबर मिली थी और हमारे साथ हिमबाश लोग गई थी। काशवी चलना। हाँ ये चोट कैसे लगी? अरे मच्छर ने काट दिया होगा, मुझे भी हो जाता है कई बार। चलो भैया जल्दी चलो। शाश्वान लोग। शाश्वान रहे शाश्वान। पिछली बार यहीं हमने हमारे बालवीर को गुनहगार साबित होते हुए देखा था। चश्माग ने उन सबूतों को एक बार फिर से खंगाला और ये पाया गया कि वो सारे सबूत सच और सही हैं। बालवीर गुनहगार ही है। चश्माग, अब आगे की कार्रवाई करने का वक्त आ गया है, ऐलान करो। जी मैम। आई हम में से कई लोगों के दिलों को अभी भी मंजूर नहीं है कि बालवीर गुनहगार है और उसे हम खुद सजा देंगे, लेकिन ये वक्त दिल से नहीं दिमाग से काम लेने का है। चाशवान लोक के नियम का पालन किसी भी बालवीर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ बालवीर ही नहीं, चाशवान का कानून उत्तानों से भी कहीं ऊपर है। तो इसलिए ये ऐलान किया जाता है कि बालवीर के गुनहगार साबित हो जाने के बाद, सारे सबूतों की सच्चाई एक बार फिर से कन्फर्म हो जाने के बाद, तुरंत धरती पर मौजूद बरदौल से कांटेक्ट किया जाए और उसने जहां पर भी बालवीर को रखा हुआ है तुरंत तत्काल उसे शाश्वान लोक लेकर आया जाए। छांव से ताहो उम्र के लिए शाश्वान लोक की जेल में
कैद रखा जाएगा। दिल्लाक और किंकोरी, मैं आपको आदेश देता हूं कि तुरंत धरती पर जाके बालवीर को वापस लेकर आइए। क्या मैं आप दोनों पर विश्वास कर सकता हूं कि शाश्वान लोक के नियमों का पालन करते हुए ये काम आप जल्द से जल्द पूरा करेंगे? जी, हामी। शाश्वान रहे। रहे शाश्वान। चश्मा, चेहरे पर मुस्कुराहट आने को कुछ दिन और रोको। तुम्हारी बातों में, तुम्हारे मुंह से निकली आवाज, तुम्हारे दिल से निकली आवाज, दोनों साफ साफ और अलग अलग सभी को सुनाई देती है। क्या करूं हो बात, मेरे शतरंज की हर चाल में हर पासा ऐसे सही सही खाने में जाके गिर रहा है कि हर चाल पे जीत हो रही है। ऐसे में खुशी छुपा लेना हो नहीं पाता। बहुत कम दिन बचे हैं तुम्हारे बालवीर बनने के, बस सबसे बचे रहो, फिर बचाते रहना पूरी दुनिया को उड़ उड़ के। क्या मैं बालवीर हूं? लेकिन ये कैसे हो सकता है? पहले मैंने नव्या को गिरने से बचा लिया, और फिर बड़े ट्रक को हाथ से उठा लिया। क्या मेरे अंदर सच में बालवीर की शक्तियां है? अगर हाँ तो मैं कोई भी जादू कर सकता हूं। अगर ऐसा है तो मुझे एक बार कोशिश करनी चाहिए। सच में जादू कर सकता हूं, लेकिन कैसे? मेरे पास ये जादू शक्ति आई कहां से? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मैं कौन हूं? वीर, तुम्हें जादू से इस धरती लोक पर और इस परिवार में सेट किया गया है। वाह, क्या बात है वीर, कितना अच्छा जादू करते हो तुम। तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है, ये जादू नहीं था। अच्छा, तो फिर क्या था? जादू था, लेकिन सच वाला जादू नहीं था। दरअसल वो बोर्ड अपने आप नहीं हिला, बल्कि इसके पीछे एक मैजिकल सीक्रेट ट्रिक है। हाँ, तो ऑब्वियसली तुमने कोई इनविजिबल थ्रेड बांधा है ना बोर्ड को, जिससे कि तुम उसे ऊपर नीचे कर रहे हो, तभी तो बोर्ड ऊपर नीचे हो रहा है। बिल्कुल वैसे ही। मैं थोड़ी ना सच में जादू कर सकता हूँ। सच में जादू थोड़ी ना होता है। और तुम में कौन सी ऐसी सुपर पावर्स हैं, या तुम कोई बहुत बड़े सुपर हीरो हो जो तुम ऐसा जादू कर लोगे? हाँ, राइट, मैं थोड़ी ना कोई सुपर हीरो हूँ, मैं तो बस एक मामूली मैजिशियन वीर हूँ। वीर, तुम बहुत बड़े आर्टिस्ट बन सकते हो, तुम्हें बस मेहनत करनी होगी, तुम्हें कोई बहुत बड़ा जादू सोचना होगा। ऐसे बोट वगैरह हिलाकर कुछ खास नहीं हो पाएगा, कोई बड़ा जादू सोचो और ऐसा जादू करो जिससे कियारा मैम देखती रह जाए। अरे काश्वी, तुम चिंता मत करो, इस बार हम ऐसा जादू सोचेंगे कि कियारा मैम तो क्या पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। अरे ये तुम्हारे हाथ में ये निशान कैसा? पता नहीं,
कोई कीड़ा काट गया होगा शायद। ये सारे पॉड्स जो है ना, ये बुलेट प्रूफ होते हैं। एक बार अगर इनमें कोई अंदर जा करके उड़ के भागना शुरू कर दे तो उसको अकील भी किसी जादू से मार नहीं सकती। हाँ मैं मुत्ता, मैं आ रहा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.